पवन कुमार गुप्ता। पवन कुमार कुछ नहीं किया साहब, ये तोड़वा फोड़वा खाली बनवा रहे हैं, हम लोग के लिए सड़क में आना जाना मुश्किल है जी। हर जगह से रास्ता बंद कर दिया है, हम लोग को घूम के हर जाए वहाँ जाए सवारी पैसा नहीं दे रहे हैं। 20 रुपया कहते हैं, 20 रुपया होता है, 20 रुपया में घूम के हर से जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है अपना, फिर चलाना है। आप कितना अरे समय अभी देखिए जाग रहे हैं, 8-9 बजे सुतेंगे, फिर 1 बजे जाग जाएंगे, कितना जागेंगे कितना सुतेंगे। आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में और जानते हैं यहाँ के ज़मीनी स्तर पे क्या हकीकत है, लोगों की जनजीवन कैसे गुजर रहा है, गरीब तबकों के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उनको क्या फैसिलिटी दी गई है क्या नहीं दी गई है, इसके बारे में आइए जानते हैं। रिक्शे वालों से उनके साथ कैसी गुजर रही है, आपका क्या नाम सर? हमारे सामने तो यही गुजर रही है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप कितना पढ़े हैं? हम साहब पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ हैं, तब रिक्शा चला रहे हैं। तो आपके बच्चे वगैरह सब पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चों का शिक्षित दे रहे हैं, मगर बहुत मजबूरी में दे रहे हैं कि हम नहीं पढ़े हैं तो बच्चे कुछ लायक हों। तो इस जाड़े में जब आप रिक्शा चला रहे हैं तो जो भी भाड़ा तय करके जाते होंगे यात्रियों से तो पूरा मिलता है? पूरा नहीं सर, ओ मैं घरे पहुँच जाइए तो कहीं है इतना भाड़ा होला, डांट के भगा दिए तो करब का, उनसे मार तक परम ना घरे, कम बेसी ले ले वाला। तो इसके लिए आपने कभी किसी सरकार से आवाज़ उठाई कि ये जो अत्याचार आप लोगों पे हो रहा है तो उसके लिए सरकार के तक अपनी आवाज़ें पहुंचाई आपने? सरकार के बहुत आई यहाँ लोग इन्हें कहल गल, कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात विचार नहीं है, न कोई बात है। तो हम देख रहे हैं कि आपके पैर में चोट भी लगी है, तो ये कैसे लगी है? ये लगी है पौडी से लगी है, गाड़ी चलाने में पौडी टूट गया लग गया। तो इसके बाद भी आपको अपने घर वालों के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है? क्यों नहीं करेंगे, हमारे बाल बच्चा खाने बिना मरेंगे। तो आपके पीछे कोई भाई या बहन? कोई भाई बहन किसी का होते हैं कि अपना देखेंगे हमारा देखेंगे? मतलब आपका कहना है कि आज के दौर में इस महंगाई के दौर में रिश्तेदार भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं? हाँ, अपना देखेंगे हमारा नहीं देखेंगे, हमारा ऊपर मजबूरी है। क्या वगैरह शहर भर में चलाते हैं तो यहाँ की सड़कों को और गलियों का क्या हाल है? सड़कों का हलियों का अब अहिंद तो थोड़ा सही हुआ है, पहले गड़बड़ था अब थोड़ा सही हुआ है, मगर गलियों का हाल तो और ख़राब है। मतलब अभी भी टूटी फूटी सब? हाँ, टूटी फूटी अभी भी है।